केम छो आदाब, मेरा नाम है शो मिर्ज़ापुरिया और आप सुन रहे हैं द सोशल इंटरकोर्स। दोस्तों, आज हमारे शो में आई हैं बहुत ही हसमुख, बहुत ही ये कहिए बबली, और अपनी बातें हमेशा रखती हैं सबके सामने दिल खोल के। आइए उनका स्वागत करते हैं, विशाखा। बहुत बहुत स्वागत है विशाखा मेरे शो में। एंड मैं बहुत दिनों से तुम्हें कोशिश कर रहा था कि तुम आओ मेरे शो में और अपनी बात रखो। एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं तेरे से मिलता हूँ, क्योंकि यू आर द आई थिंक सो लाइक ऐसी बड़ी है मेरी जो हमेशा अपनी बात रखती है अच्छे से, और ये भी नहीं सोचती सामने वाला क्या सोच रहा है। एंड यू आर सच लाइक वो देसी बोले मुफट है। एंड आई रियली लव योर एक्सप्रेशन, रियली लव योर दिस एटीट्यूड कि जो है वो रखो अपनी बात, और सबसे बड़ी बात है जो भी तुम रखती हो वो फैक्ट के साथ रखती हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारी जो दिल है वो एकदम इतना क्लीन होता है जब तुम रखती हो। तो मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे शो में आई हो जिसका नाम है द सोशल इंटरकोर्स। और मैं तुम्हें अपने शो के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो शो है इट टेल्स अबाउट कि जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो लोगों के विचार है और वो जो अपनी बातें रखना चाहते हैं, जैसे एक विशाखा है और एक और है कोई, लेकिन विशाखा उसमें यही फर्क है कि विशाखा अपनी बात रख देती है लेकिन जो दूसरी बंदी है या बंदा है वो अपनी बात खुल के नहीं रख पाता है। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म द सोशल इंटरकोर्स उन बातों को उजागर करता है, उन बातों को लेके आता है जो छिपी रहती है, और वो सोसाइटी की एक प्रमुख कह सकती हो दिक्कतें हैं, लेकिन उसको देख के भी लोग मुंह फेर लेते हैं या देखना ही नहीं चाहते। तो बहुत बहुत स्वागत है विशाखा, एंड तुम अपने बारे में बताओ और तुम कहाँ से बिलोंग करती हो। सबसे पहले तो थैंक यू शुभ मुझको अपने शो में इनवाइट करने के लिए। वेलकम विशाखा। And one more thing, मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ। मैं विशाखा के बारे में एक और चीज करना चाहता हूँ कि विशाखा इज द मोस्ट हिलेरियस, एंड जब वो बात करती है तो वो इतना खुल के करती है लोगों को वो, मैं इसके बारे में विशाखा के बारे में डिटेल जरूर दूंगा। कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप विशाखा से बात करो, एंड शी इज सो फ्रेंडली टू यू, वो हमेशा ही अच्छा आपको गाइड करेगी। एंड मेरे और भी जो शोज में जो लोग आए हैं वो भी इस तरीके से रहे हैं, एंड विशाखा की भी एक अलग क्वालिटी रही है जो मैं लोगों को बताया है मैंने। एंड विशाखा फिर से तुम अपना कंटिन्यू करो, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड कि तू है यहाँ पर, एंड रियलिटी में फाइनली ये एपिसोड हो रहा है। थैंक यू मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। पहली बार एक्चुअली कोई कर रहा है, किसी ने की नहीं क्योंकि उसे शायद विशाखा समझ नहीं आ रही होगी, ऐसा हो सकता है। हाँ, मे बी हो सकता है, ये पता नहीं। पर सबसे पहले तो ये कि सच में इवन आई ऑल्सो लाइक योर कंपनी। एंड ओके, तो जैसे कि सबसे पहले तो वो क्वेश्चन कि जैसे पूछा मैं कहाँ से हूँ एंड मैं कौन हूँ, तो एज यू ऑल नो माई नेम, ओके, तो मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड। एंड मैंने अपनी बैचलर्स जो है रेडियोलॉजी में की, एंड अब मैं अपनी जो मास्टर्स है वो पब्लिक हेल्थ में कर रही हूँ एमिटी से। ओके ओके, कूल विशाखा। विशाखा तुम कहाँ से बिलोंग करती हो? उत्तराखंड, देहरादून। और हमारे शो में पहले उत्तराखंड से भी लोग आए हुए हैं, एंड सो ग्लैड टू कि आप आए हो। उत्तराखंड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, एंड इस समय तो वहां पर और भी खूबसूरत हो जाता है उत्तराखंड इस टाइम में। तो विशाखा मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे कि तुम इतनी इतनी खुश रहती हो, सब कुछ तुम्हारी लाइफ में तुम सॉर्ट आउट करके चलती हो, एक पॉजिटिव ढंग से चलती हो, पर कभी कभी क्या होता है, एक टाइम आता है कि विशाखा भी कुछ इश्यूज में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है, कि बहुत ज्यादा उस चीज में ये हो जाती है कि यार ये चीज जो हो रही है ना वो गलत हो रही है, तो उस पे लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, और क्या है ऐसा। तो वो ऐसी कौन सी बात है जो विशाखा को बहुत ज्यादा बुरी लगती है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बट जो उसमें सबसे मेन चीज है ना वो ये है कि लोग, मतलब हमारी पूरी जनरेशन, हमारी, हमारे पेरेंट्स की और भी सबकी, बहुत एजुकेटेड हैं, सब एजुकेटेड हैं,
बट लोग फिर भी अपना ब्रेन यूज नहीं करते. अगर हम अगर उसको लैंग्वेज इजी लैंग्वेज में कहें तो लोग अपनी बुद्धि यूज नहीं करना चाहते आज के मॉडर्न टाइम में. सब अपनी मतलब हर कोई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी बेस्ड पे हो जाता है कि हाँ ठीक है हम बहुत एडवांस हैं, जो हो रहा है होने दो. हाँ हाँ हमको सब पता है, बट कोई भी अपना ब्रेन नहीं यूज करना चाहता है उस चीज पे, अपनी बुद्धि नहीं लगाता है कि कोई चीज है तो उसका क्या कारण है, वो रियलिटी में क्या है क्या नहीं है. ठीक है, जैसे अगर मैं इस चीज से एक एग्जाम्पल दू तो कोई जैसे एक चीज हम सबने सुनी है. चलो सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं देती हूँ. हम कहते हैं भाई रात को नाखून नहीं काटने. ठीक है, रात को तवा नहीं धोना या रात को झाड़ू नहीं मारनी. बिल्कुल बिल्कुल. तो मान लिया ठीक है जी नहीं करते, पर क्यों नहीं करते? बस नहीं करते हैं. ठीक है, तो हम जब छोटे छोटे अरे दादी क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कभी हमें रीजन नहीं बताया. उनमें से कुछ ये तो एक एग्जांपल ये है कि इनके आपके पास साइंटिफिक रीजंस भी हैं. जैसे नाखून नहीं काटते हैं, पहले नेल कटर नहीं हुआ करते थे, लाइट नहीं हुआ करती थी. ठीक है, तो जब लाइट नहीं है हो सकता है हम ब्लेड से काट रहे हैं या कोई पैनी चीज होती है लाइक शार्प कोई चीज है हम उससे काट रहे हैं, तो हमारी उंगली कटने का खतरा रहता था. झाड़ू इसलिए नहीं मारते थे भाई पहले लाइट है नहीं, झाड़ू मार दी कुछ हो सकता है, कोई कीमती चीज गिर गई हो आपका कुछ भी वो बाहर निकल जाए इस वजह से. ठीक है, वो मान ली. पर आज के टाइम पे तो वो चीज चेंज हो गई ना, अब लाइट है हम काट सकते हैं. लोग क्या करते हैं अब इसी चीज को हर चीज को लेके फिर धर्म के साथ जोड़ देते हैं. ठीक है, वो धर्म के सारे धर्म जो है साइंटिफिक है. ठीक है, पर उसको फिर भी अपनी तरह से मोल्ड करेंगे और हम सब उसको फॉलो करते हैं. कहीं ना कहीं पे आगे हम सब डर जाते हैं. ठीक है, हम अपने ब्रेन नहीं यूज करना चाहते हैं. अब सबसे जो लेटेस्ट एग्जांपल चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है फार्मर वाला इशू. इससे पहले एक आया था एनसीसी आया था. ठीक है, तो अब फार्मर वाला इशू क्या है जी, एक उसमें वो पूछ रहा है कि अच्छा कि किसान उसमें क्या आपको दिक्कत है, क्या है वो कि हमको अपनी फसल बेचने का हक नहीं है या कम दाम पे बिकेगी. तो न्यूज रिपोर्टर बोलते हैं कि नहीं आपको तो आप तो डायरेक्ट बेच सकते हो, अपने रेट पे बेच सकते हो. तो बोलता है अच्छा कि ठीक है, तो हमको नहीं पता, बस हमको तो यहाँ बुलाया गया है. ठीक है, मेरा मतलब मैं सपोर्ट में नहीं हूँ किसी के भी कि फार्मर लॉ जो आया है वो सही है या नहीं है. ठीक है, मेरा एग्जाम्पल दे रही हो. हाँ, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ये दे रही हूँ कि ठीक है वो लॉ सही या गलत वो एक अलग चीज है, पर एटलीस्ट अगर आप किसी चीज के लिए हल्ला बोल रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि आप जिस चीज के लिए धरने पे बैठे हो. अब भाई दिल्ली की ठंड में बताओ, यहाँ आके बैठ गए हैं धरना दे रहे हैं. ठीक है, अब भाई हड्डियां वैसी चटक जानी है आप सबकी. ठीक है, कुछ हो गया आप भाई कुछ नहीं होगा. ठीक है, आप गवर्नमेंट से फाइट नहीं कर सकते हो. हाँ, बहुत बड़ा इशू था. एक सिर्फ हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो आ गए हैं और लोग कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड किसान वो कर रहे हैं. अरे वर्ल्ड वाइड कुछ नहीं कर रहे, जो पंजाबी कनाडा जाके बसे हुए हैं या जो हरियाणा के वहां जाके बसे हुए हैं वही तो हल्ला बोल रहे हैं. तो बाकी और तो क्यों नहीं फार्मर्स कर रहे हैं? अपना साउथ साइड ले लो, फार्मर्स वहां पे भी हैं. अपना ईस्ट जोन ले लो, वहां पे भी फार्मर्स हैं. तो वहां की तरफ से तो ऐसे कोई इशू नहीं दिखा. तो सिर्फ ये ही क्यों? ऐसे ही वो जो अभी पहले इससे पहले दंगे CANRC की बात अब कर रही होंगी. हाँ, तो उसमें लोगों को नहीं पता है. अब उसमें मुस्लिम्स बोल रहे हैं ओहो हमको तो देश से निकाला जा रहा है. अरे भाई तुम्हारी आबादी इतनी है, तुम्हें कौन निकाल देगा? देश खाली हो जाएगा, हमारा इकोनॉमी हिल जाएगी. ये देश सबके लिए है, इक्वली है, लेकिन उसमें लोगों को भटकाया खूब गया. ऐसा लगा कि लोगों को कहीं भी पता नहीं थी और लोग ऐड होते जा रहे हैं. ऐड होते जा रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं कि हाँ आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ. बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनको रीजन नहीं पता है. बिल्कुल. अब जैसे मैं एक चीज बताती हूँ इसमें ही, जैसे फार्मर वाले में अब मतलब मेरे को नहीं पता वो कितनी सही है इमेज और कितनी रॉन्ग है, पर एक इमेज शायद आपने भी देखी होगी शो, और या जो भी शो देखे शायद उन्होंने भी देखी होगी. ठीक है, वो है कि सरदार जी हैं, मतलब वो किसान जो हैं वो लेके खड़े हैं नो मास्क नो वैक्सीनेशन और लाइक नो सर्विलेंस स्टेट एंड ऑल. अरे भाई क्यों? तुम्हें मरने का शौक है तो पूरी दुनिया को मारोगे क्यों? मतलब क्या है? अब मेरे को नहीं पता ये कितना सही, पर ये पिक्चर वायरल हुई है तो फॉर श्योर ये किसी ने तो किया ही है ना.
ठीक है, तो तुम अपने देश के, हम पंजाबी या हम मुस्लिम या हम साउथ इंडियंस, अब जैसे साउथ इंडियंस भी हैं, ऑल्दो आई लाइक, मेरे को साउथ इंडियंस बहुत अच्छे लगते हैं, साउथ इंडियंस क्या, मेरे को उनका खाना बड़ा अच्छा लगता है, okay, okay. पर फिर भी अब जैसे हर कोई बोलता है, ठीक है, तो उसमें अब जैसे पंजाबी लोगों का पहले एक जो खालिस्तान वाला इशू था, ठीक है, तो अब कहते हैं ना पॉलिटिशियंस उसमें अपनी आड़ में सोच रहे हैं भैया देश बांट दो, ठीक है, मुस्लिम वाला तो हुआ नहीं, चलो इसी को अलग करके देख लेते हैं, ठीक है, तो अब वो लेके चल रहे हैं कि नहीं हम तो अपना खालिस्तान अलग बनाएंगे। अरे भाई तुम अपना देश चलाओगे कैसे अगर तुम पंजाबी कौम अलग भी कर लेते हो, ठीक है, आपका अपना वजूद क्या है, ठीक है, अब सब कहते नहीं हम लोगों ने तो ये किया, हमने तो वो किया, अरे ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, ऑल्दो मैं गढ़वाली नहीं हूँ, पर ठीक है मैं देहरादून से जैसे बिलोंगिंग करती हूँ, तो जैसे गढ़वालियों में क्या होता है, पंडित कास्ट जो होती है, ठीक है, वो सबसे ऊंची मानी जाती है, ठीक है, बाकी कास्ट उसको बहुत नीचे मानते हैं कि भाई हम पंडित हैं, हम ये हैं। अब मेरी लाइक एक दी है, वो पंजाबी सिख है, प्रॉपर जट बोलते हैं ना वो है, अब उन लोग जो जट लोग होते हैं उनके यहाँ पंडित कास्ट को सबसे नीचे माना जाता है कि ओहो ये तो पंडित है, ठीक है, तो अब लाइक लोग अपनी सब किसी कास्ट में कोई ऊपर हो गया, ठीक है, किसी कास्ट में कोई ऊपर हो गया, अब लोग एक दिमाग ये नहीं लगाते हैं कि, और जैसे इसमें सिर्फ ये अभी मैंने क्योंकि रिसेंट एग्जांपल मैंने फार्मर्स का लिया तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, पर मैं किसी भी धर्म के उसमें अगेंस्ट में नहीं हूँ सबसे पहले तो ये, ठीक है, क्योंकि कहीं शो पे वो रहे कि लोग मारने उतर रहे हैं जैसे कंगना रनौत के पीछे पड़े ऑल द मैं फेमस तो नहीं हूँ पर पता चल रहा है लोग भाई प्रोफाइल पे आगे जाके कुछ कमेंट वो कर रहे हैं, पर मैं एक वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, तो वो मुस्लिम्स हों, मैं हिंदू हूँ, मैं मेरी दादी और यूपी से बिलोंग करते हैं और मैं यहाँ की हूँ, तो जो भी एक है, लोग ये नहीं जानते कि अल्टीमेटली सब इंसान, ठीक है, एक जो साइंटिफिक तरीके से भगवान ने जो बनाया हुआ है वो चले गए कि भैया 5 साल तक बच्चा या मतलब 1 साल तक बच्चा जो है अपने घुटनों के बल चलेगा, 1 साल पे चलना सीखेगा, फिर 5 साल में दौड़ना सीखेगा, फिर एक टाइम पे आके प्यूबर्टी स्टेज आती है आपकी, ठीक है, वो सब आ रही है, वो सभी के साथ, वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सारे लोग, ठीक है, तो लोग अपना दिमाग इस चीज में, मेरे को एक डाउट ये है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उसमें क्यों नहीं लगाते कि इंसान सभी लोग एक पैटर्न से चलते हैं, ठीक है, बस कुछ कुछ चीजें किसी किसी धर्म में उसको करने के तरीके बदल जाते हैं, ठीक है, पर लोग बोलते नहीं हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ का देती हूँ, जैसे पंजाबियों में एक चीज कहते हैं कि हमारे यहाँ के तो हमारे उन्होंने तो ये किया, अरे भाई अभी एक मतलब मैं नाम नहीं लूंगी उनका, वो हमारे बहुत नियर एंड डियर है, तो उनके लाइक, और वो मेरे जो लड़की है वो मेरे भाई के साथ की है, यानी वो 20 साल की लड़की है, 19 या 20 साल की, वो अभी जैसे वो कार सीख रही थी और जो अंकल है वो बाहर काम करते हैं, ठीक है, तो आंटी और उनकी बेटी यहाँ रहते हैं, अब वो जिससे कार सीख रही थी वो एक सिख है, आंटी का अब उनको जैसे भी पता चला कि आंटी नहीं है या जो भी है, ठीक है, तो उन्होंने जबरदस्ती उस बच्ची के साथ घर में घुस के रेप किया, ठीक है, अब अगर इस चीज पे हम सिखों को मारने लगे या हम धरना देने लगे, नहीं नहीं तुम तो भैया रेपिस्ट हो तुम निकलो यहाँ से, ठीक है, ऐसे ही मुस्लिम्स के बहुत सारे केस हैं, ठीक है, लोग समझना ही नहीं चाह रहे हैं, लोग क्या होता है ना अब जैसे सब डंडा उठा के चल पड़ते हैं एक के भेड़ चाल में किसी के पीछे, फिर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ओहो यार हमने ये क्या किया, हमने तो ये टाइम वेस्ट कर दिया अपना, फिर लोग वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए घर पे बवाल करते हैं या रेप करते फिरते हैं, या अरे अपनी जिंदगी अच्छी बनाओ ना, आप कोई भी चीज के पीछे रीजन क्यों नहीं पूछते हो, कोई रीजन नहीं और चले जा रहे हैं, और जब नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन एक तरीके से निकल रहा है कि हाँ। कुछ भी गलत करके ताकि लोग देखें उनके काम को देखें अट्रैक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शांति से साथ तो कुछ काम नहीं होता है, काम और, नहीं होता हाँ, है। जब तक तुम वही बात है कि जैसे तुमने कुछ तुम धीरे से चुपचाप काम करके चली जाती हो तो लोगों को लगता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि मीडिया का लोगों को एक चाहिए कि आप मीडिया हमें देखे करे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू
हमारा कि उनका ये होता है कि आप कुछ कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसा लड़ाई झगड़े वाला काम कुछ ऐसा करते हैं कि लोगों का अट्रैक्शन हो और हमारा काम देखे। तो उस केस में क्या करते हैं, तुम्हारा यही कहना है कि तू वो उस चीज को वो गलत काम करके बिना कोई रीजन के, बिना किसी सर पाओ के काम करते हैं, रीजन निकालते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और नुकसान करते हैं। और नुकसान किसका, हमारे देश का हो रहा है, उन्हीं की ही उन्हीं के पैसों का हो रहा है। प्लस और शुभ, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने देश का तो जो हो रहा है वो हो रहा है, वो अल्टीमेटली ये नहीं देख रहे हैं कि वो उन मतलब उनका खुद का हो रहा है, उनका नहीं तो उनकी आने वाली जनरेशन का है, क्योंकि जनरेशन तो उनकी आगे आएंगी ही ना। ठीक है, उनकी जनरेशन निकल जाएगी, उनकी शायद उनके ग्रैंड चिल्ड्रन तो भुगते हैं उस चीज को। अब पॉलिटिशियंस को ही ले लेते हैं, ठीक है भैया, पॉलिटिशियंस जो क्या, जैसे एक नायक फिल्म है, ठीक है, वो अनिल कपूर की, हाँ अनिल कपूर की, राइट। तो उसमें लाइक एक पॉलिटिशियंस की सच्चाई बहुत अच्छे से दिखाई गई, ठीक है। अभी एक नई मूवी आई है दुर्गा मत, ठीक है, अगर जब मुझको नहीं पता भी कितने लोगों ने देखी क्योंकि वो बहुत लेटेस्ट है, बट उसमें भी बहुत अच्छी चीज दिखाई गई है, ठीक है। तो लोग क्योंकि अपना ब्रेन यूज नहीं करते हैं, ठीक है, बस एक राह में दौड़े चले जा रहे हैं, अपने कोई मंजिल नहीं है, ठीक है, और बस किए जा रहे हैं। अब लोग बोलेंगे नहीं हमारे पास तो मंजिल है हमारे पास, तो जब आपके पास आप और बोलते हैं, अब लोग शायद हो सकता है बोले नहीं अपना, ठीक है आप अपना ब्रेन यूज करते हैं, ठीक है, तो आप मुझे, अब मैं यंगस्टर्स से एक बात ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप अपना ब्रेन यूज करते हैं तो आपके पापा ने जब कभी अल्कोहल नहीं पिया, ठीक है, या आपके फैमिली में नहीं पिया, ठीक है, तो आप कैसे पी रहे हैं वो चीज, लाइक आपके फैमिली में मना है ना, क्यों पी रहे, अरे नहीं पीयर प्रेशर है, अरे मेरे दोस्तों ने ना, अरे भाई दोस्तों ने तो बहुत सारी, अब आपके क्लास में कोई टॉपर भी तो होगा, तो आपने पढ़ने की क्यों नहीं वो की, मतलब क्यों नहीं आपने पढ़ा कि मैं टॉपर बनूं, ठीक है, आपके पेरेंट्स तो उस चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो आपको पेरेंट्स का प्रेशर नहीं आया, तब आप सुसाइड करने निकल गए कि लो जी हम पंखे से लटक गए, हम तो खत्म हो गए, ठीक है, या फिर आजकल के बच्चे इतना वो ले लेते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, अरे डिप्रेशन हो रहा है तो आपको पता है डिप्रेशन में होता क्या है, खा पी रहे हो मस्त एकदम सब सही, कोई आया पास में तो नीचे मुंह लटका के बैठ गए, नौकरी नहीं लग रही है, अरे नौकरी क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि दिमाग वहां पे नहीं है, अब आप पूजा ऊजा करने लग गए हो, ओहो भगवान जी हमारी ना नौकरी दिला दो। अब इस बात का क्या लिंक है, लिंक ये है कि जहां आपको ब्रेन यूज करना था, ठीक है, आपको पढ़ना था, जहां सीरियसली आपको यूज करना था कि अच्छा सामने वाले की अच्छी क्वालिटीज है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि जो दारू पीते हैं वो बुरे होते हैं या वो क्वालिटी बैड है, नहीं, अगर सबका सबका अपना है, अपना है, पर मेरा मानना है अगर वो चीज आपको अंदर से अलाउ कर रही है, ठीक है, लोग कहते हैं मीठा खाना मतलब ज्यादा मीठा खाओगे मोटे हो जाओगे, ठीक है, और यह ज्यादा मीठा खाना चाहिए, पर मेरे को मीठा खाना अच्छा लगता है, मेरे को पता है मेरे दांत खराब हो जाएंगे, फिर मैंने बहुत मिठाई खाई है दिवाली कंट्रोल, अब वो क्योंकि वो मेरा मन अंदर से कह रहा है ना, उस पर मैंने ये नहीं सुना कि वो मुझे ना अभी इन्होंने ये कह दिया तो मैं नहीं खाऊंगी, अरे आप कोई भी काम करो उसके उसका आपके पास कोई तो रीजन हो, रीजन भी वो भी गलत उसमें नहीं, एक कहते ना अपने रीजन, आपकी मतलब अपना कुछ सॉलिड हो रीजन, हम जो दें बेस हो उस चीज का, सो दैट कि आप उस चीज को बोलो तो सामने वाले को ये लगे कि अच्छा कि सामने वाला पागल नहीं बना रहा है हमारा, कि वो सच में उस चीज को लाइक कर रहा है, कि हाँ कि ओके कि सामने वाले में कुछ तो है, ये जो बोलना चाहिए, रीजन होना बहुत जरूरी है तुम्हारे हिसाब से ये है। हाँ। और क्या कहते हैं, अगर कोई रीजन ना हो, जैसे तुम ये इंटरव्यू भी कर रही हो तो एक तुम्हारा एक मोटिव है इसमें आने का, तुम्हारा एक मिशन है कि तुम्हें अपनी बात रखनी, तुम्हें अपनी पता बात है ये बात, अब तुम्हें एकदम से किसी को बुला ले हम और कहे कि आप अपनी बात रख दो, अब वो कुछ भी बोला चला जा रहा है, कुछ भी मिशन है और कुछ भी मोटिव है, तो उसे पता ही नहीं करना क्या है, तो ऑब्वियसली बात है वो भटकेगा ही, तो भटकने का मतलब यही हो गया कि आज के यंग जनरेशन, क्योंकि यंग जनरेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब इंडिया को एक यंग जनरेशन के रूप में देखा जाता है आज के, और यंग जनरेशन को पता ही नहीं है कि करना क्या है, उनका विजन कुछ और होता है, मिशन कुछ और होता है, करते कुछ और है। और एक तो मुझे ये भी लगता है जो जो ये मेरा अपना एक जो व्यू है दिशा का, कि आजकल एक जो वो है ना, एक अपना चेहरा दिखाने की मुहिम है
कि मुझे ना फेमस होना है, तो इस फेमस होने के चक्कर में लोग गलत गलत काम करते हैं बिना किसी रीजन के, चाहे वो CANRC की बात हो या इंडिया में कोई भी हो या इसमें प्रेजेंट जो फार्मा प्रोटेस्ट है, फार्मा प्रोटेस्ट के भी कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। बिल्कुल हाँ। मैंने सही कहा, और दोनों चीजें मतलब ना रूल्स हैं, मैं हाँ। मुझे कुछ लेना देना नहीं है उस पर्टिकुलर लॉ से, क्योंकि ठीक है मैं ये चीज बिल्कुल बोलती हूँ कि फार्मर्स हैं तो हमें खाना मिल रहा है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उन्हीं की वजह से है। और लोगों को ये समझना चाहिए बस ये है कि जो भी आप जाओ आपको ये पता होना चाहिए, चाहे वो फार्मा प्रोटेस्ट हो चाहे वो कुछ भी, आप कोई भी इंडिया में प्रोटेस्ट हो, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड इसमें आपका हक बनता है जाने को, लेकिन आपके पास रीजन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जा रहे हो आपको पता ही नहीं है क्या कर रहे हो और आप करे जा रहे हो, उसमें इतना गलत कुछ हो जाता है कि वो नुकसान कर जाता है, आपकी फैमिली पे नुकसान होता है, आपका नाम खराब होता है, आपको सजा होती है, उसके बाद आपका करियर खराब होता है, आपका फ्यूचर खराब होता है, बहुत कुछ चीजें तबाह हो जाती है। बिल्कुल, लाइक जैसे एक रेप केस हुआ था जब दिल्ली में, आई गेस 2012 और मेबी 11, आई डोंट नो, निर्भया केस की बात कर रही हूं। हाँ, ठीक है। तो जैसे उसमें क्या था कि ठीक है, उसमें क्या दिखाया था, उसमें एक का मतलब मेरे को ध्यान नहीं है वो प्रॉपर सीन, पर बस मेरे को एक जो उसकी छोटा सा एक चीज याद है कि जैसे वो ड्रंक थे, वो 6-7 आदमी जो भी थे, ठीक है, तो उसमें से जैसे 2-3 ने पहले अटैक जैसे वो करना स्टार्ट किया, ठीक है, और उनमें से एक बोल रहा था कि नहीं शायद ड्राइवर या कंडक्टर ने मेरे ख्याल से ये बात की, नहीं नहीं मतलब मैं नहीं चाह रहा था, वो तो इन्होंने किया, फिर हम उससे भी हो गई, ठीक है, जिसने सबसे पहले जिसने सुसाइड एक दूसरे पे डाला था कि मैंने मतलब इन्होंने मुझे इन्होंने करा कि करो 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 और मैं कर दिया, जो भी है, ठीक है, तो आपका अपना ब्रेन कहाँ गया, यानी कहीं ना कहीं वो चीज आप करना चाहते थे, ठीक है, और अगर नहीं करना चाहते थे आप वो चीज कैसे कर गए, आपका अपना ब्रेन उस चीज के लिए कहाँ है, ठीक है, फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं ब्रेन ना वॉश हो जाता है, अच्छा तो कसाब जी जो जिन्होंने इतना बड़ा मुंबई में अटैक किया था, जो अच्छा हुआ मर गए, ठीक है, अब लोगों ने कहा कि फिर वो कसाब अपनी मतलब सुनाने लगा, यार जेल में कहानी में एक मछुआरा था, मेरे घर में पैसा नहीं था, अरे भाई तेरे घर में पैसा नहीं था तो कम से कम तू किसी के घर जाके झाड़ू मार लेता, कुछ तो करता, तेरा ब्रेन इतना, ठीक है मेरे को पता है ब्रेन वॉश बहुत बुरी चीज होगी, ठीक है, पर आपका ब्रेन वॉश करने के लिए किसी के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि कोई भी आपका ब्रेन वॉश कर देगा। मुझे जैसे मुझे कॉलेज में क्या बोला जाता है, शायद कुछ लोग मुझे कंजूस भी बोलते होंगे फॉर श्योर, अब उसका रीजन बताती हूँ। जैसे क्या है ना, मैं बाहर की चीजें नहीं खाती, बहुत रेयर, लाइक मेरे को पिज्जा अच्छा लगता है कभी कभी, ठीक है, तो एक वो चीज तो मैं जरूर खाती हूँ, ठीक है, अगर खाई तो लाइक 2 महीने में एक बार ऐसे करके। तो जब मैं कॉलेज जाती थी तो भाई अब MIT बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो मेरे क्लास में बहुत रिच लोग हैं, बहुत ज्यादा रिच लोग हैं, ठीक है, तो क्या होता है भाई अब ये लोग सब खा रहे हैं, चलो ठीक है खाओ, ठीक है, अब कहीं लोग ऐसे होते थे कि भाई गए उनको खाना नहीं है वो चीज, पर उन्होंने फिर भी क्योंकि दूसरा ले रहे तो उन्होंने ले ली, ठीक है, मतलब जिद कहते हैं ना कि बस आपको दिखाना है एक चीज, आप चाह नहीं रहे हो फिर भी करना, पर अब मेरा क्या है भाई, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास एक लिमिटेड बजट भी है घर वालों, खैर उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि आप ये मत खाओ, पर द थिंग इज कि मेरे को नहीं खाना बाहर, ठीक है, अब मेरे को नहीं खाना है तो मैं मना कर देती हूँ कि भैया नहीं मैं नहीं खाऊं, तो उसमें लोग मेरा पैसा मैं नहीं खर्च कर रही, मैं तुम्हारी प्लेट में से भी नहीं खा रही, ठीक है, उसके बाद भी लोग बोलते हैं अरे यार ये तो कंजूस है, अरे भाई तू कौन सा मुझे खाना दे रहा है, तू या तो तू अपना खिला दे मेरे को अगर इतना वो है, मैं तो ना तेरा खा रही, पर मेरे को वो चीज नहीं खानी है ना। अब अगर उस चीज में मतलब मेरी फ्रेंड है, उसने मेरे को बोला कि यार पता है तेरे को ना वो ना ऐसे बोल रही थी कि वो ना बहुत कंजूस है कि वो ना बिल्कुल वो नहीं खाती, अरे भाई तुमको पता है कि मैं क्या चीज खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ,
ठीक है, तुम शायद जितने का, तुम शायद 500 का एक लाइक एक सड़ा से बर्गर खाने, ऑल्दो सड़ा तो नहीं है बट मेरे लिए तो वो सड़ा ही है ना, तुम डेली वो 500 का बर्गर खाना अफोर्ड करते हो, पर मैं तुमसे अच्छे स्टफ खा रही हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ अपने, जो कि वो तुम्हारे बर्गर से भी महंगे, तो तुम मुझे कंजूस कहने वाले होते कौन? तो ए, अब उसमें से कॉमेडी बात ये है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी के भी पर्टिकुलर के, क्योंकि फिर लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अब वो बोलते हैं कि हाँ 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 यार, और फिर वो उन्हीं के पीछे जिन लोगों के साथ मिलते हैं वो मेरे को कंजूस कह रहे हैं, वो मेरे मुंह पे उनके लिए ये बोल रहे हैं कि इतना अननेसेसरी पैसा खर्च करती है, ये तो सिर्फ शो ऑफ के लिए करती है। अरे भाई अभी तुम मेरे को, और वो तो मेरे को मेरी फ्रेंड ने बात बता दी कि मेरे को पता है कि वो मेरे को कंजूस बोल रहे हैं, पर मेरे को फर्क नहीं पड़ा उस चीज क्योंकि मेरे पास रीजंस है मेरी चीज को कुछ भी करने के लिए, ना खाने के लिए, ठीक है। हो सकता है उसका रीजन ये हो कि भाई मैं, मुझे मेरी हेल्थ मेरे उस चीज से ज्यादा प्यारी है, ये चलो हेल्थ भी छोड़ो क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मेरे को मीठा पसंद है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड कि मेरे को, वो मेरा डिसीजन है कि मेरे को पैसे कहाँ खर्च करने। अब अगर उसमें जैसे कि मेरा ब्रेन था कि मैंने अपना लगा लिया, नहीं मेरे को अब यार, आप एक कहते हैं ना पीयर प्रेशर होता है, जब आपके चार दोस्त बैठ के वो चीज खा रहे हैं और उस चीज में, ठीक है, वो लोग अगर वो आपके सच्ची फ्रेंड्स है तो वो आपको कभी उस चीज के लिए फोर्स ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कंजूस हम उसको बोलते हैं कि अगर मैं अपना पैसा तो खर्च नहीं कर रही, पर जब तुमने ऑर्डर किया था तुम्हारे में से खा लो, मैंने उनके प्लेट में से भी नहीं कभी खाया क्योंकि मैं सीरियसली वो चीजें नहीं खाती, ठीक है। तो ये एक मैंने अपना पर्सनल एग्जांपल दिया, और ये बहुत लाइक बहुत लोग शायद फील भी करते होंगे, ये चीजें सबके साथ होती है, बहुत कॉमन है, और इसमें लाइक मैं किसी से बुरा नहीं मानती क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या हूँ, ठीक है। तो बस यही एक छोटी सी चीज है, लाइक अगर आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में तो एटलीस्ट ना आप अपना कॉमन सेंस लगाओ उसमें थोड़ा, अपना ब्रेन। अब आपको पता है क्या, जब आप अपना ब्रेन नहीं लगाते हो ना तो फिर आपको क्या जनरेट होता है, आपके साथ मिथ जनरेट होते हैं, ठीक है। सही बात, जैसे आज ही हमारी क्लास में एक चीज पढ़ाई गई, पढ़ाई नहीं गई मतलब डिस्कस किया गया, मेरे को ध्यान नहीं किसने इसका एग्जाम्पल दिया था कि लाइक उनको, वो किसी फाउंडेशन में काम कर रही थी, तो लाइक उनको किसी ने बोला कि वो स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो स्मोकिंग करने से डाइजेशन अच्छा होता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ दिया गया। सेम एक ऐसे ही एग्जाम्पल हमने उसमें भी देखा है, मतलब बहुत सारी सीरीज आती रहती है यूट्यूब पे, बोलते हैं कि अगर स्मोकिंग करोगे ना तो आपको मोशन अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक मिथ है, ठीक है, ये एक छोटा सा मिथ हो गया। अब ऐसे ही बहुत सारे मिथ आपके आ जाते हैं इसमें, जैसे हमारे गढ़वाल में क्या होता है ऊपर कि लाइक अगर जब भी बच्चा पैदा होता है ना, ठीक है, तो अब तो फिर भी कम हो गया है ये, पहले क्या करते थे उनको गौशाला होती है ना जहाँ पे गायों को रखते हैं, लेकिन लड़की को वहां रख देते थे और बोलते थे कि नहीं ना अभी ना सूतक चल रहा है, ठीक है, होता होगा मेरे को नहीं पता है एग्जैक्ट सूतक क्या था, तो मतलब पहले होता था, अभी भी होता है कई जगह, होता है ठीक है। हाँ अब देखो, ठीक है, लोग अपना ब्रेन नहीं यूज करते हैं अब इस चीज में, चलो ठीक है, अरे भाई जब सूतक है आपका या फिर ग्रहण लगता है तो भी बोलते हैं सूतक चल रहा है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल चल रहा है, रीजन क्या है उसका, क्यों सूतक है? अगर सूतक है तो आपके घर के जो महंगे 50,000 के गद्दे हैं, ठीक है, वो आप गद्दे घर से नहीं फेंके, आपने जो इतना मतलब सॉरी आपके जो इतने सारी चीजें हैं सूतक क्या सिर्फ आपके घर की दीवारों पे लगा, जो आप दीवारें धो रहे हो आपके घर से बाहर निकल के, जैसे हमारे पड़ोस में आंटी है भाई वो अपनी ना वॉल धो रही है, ठीक है, तो क्यों धो रहे हैं? अरे ना सूतक था अभी ना चंद्र, पता नहीं शायद सूर्य ग्रहण था उससे या पता नहीं क्या था, या शायद चंद्र ग्रहण से, ठीक है, तो फिर वो सूतक तब नहीं जो आपके घर के अंदर की चीजों में नहीं है वो सूतक, या जब आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो सिर्फ अच्छा लड़की को बाहर पटक दिया, जो कि वो इतनी लाइक डिलीवरी के बाद एक लड़की की बॉडी में बिल्कुल इम्यून नहीं बचता है, ठीक है, तो तब वो नहीं है, ठीक है। तो अब उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन ये होते थे कि जी एक नई लड़की मतलब सॉरी एक जो नई माँ है मतलब जिसने बच्चे को डिलीवर किया है वो, ठीक है, और जो एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, वो उसमें क्या है भाई, उनमें इम्यून पावर नहीं होती है कि वो कोई भी मतलब लाइक फाइट कर सके, तो इसलिए वो पहले बोलते थे बाहर के लोगों को, उन्होंने जो हमारे बड़े कुछ बहुत अच्छे जो रहे हैं लोग, उन बीच के लोगों ने गड़बड़ किया है एक्चुअली, पहले के बहुत सही थे, फिर बीच में जो जनरेशन आई है उन्होंने खुराफात मचाई कि अच्छा इसको ना हम ऐसा मोल्ड कर देते, अपने अनुसार उन्होंने मोल्ड कर दिया, तो वो मोल्ड होते होते ना लोग बहुत
मतलब अजीब ही हो गई चीजें, क्योंकि हर कोई तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है कि इस चीज का रीजन क्या है. रीजन नहीं है और एक मिथ पे चले जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं. और ये चीज मैंने देखा कि ये सब मॉडर्न जमाने में, आज के टाइम में जो मॉडर्नाइजेशन जिसको बोलते हैं आज के प्रेजेंट, उसमें कि आज भी ये सब होती जा रही है, और ये चीज हम अपने बच्चों को भी देते जा रहे हैं. बिल्कुल लेकिन उनको ये रीजन नहीं बताते कि अच्छा क्या है. और फिर हाँ. ये ऐसे ही ये एक तरीके से जहर की तरह फैलता जा रहा है हमारे सोसाइटी में. और ये जो मिथ है ये हर चीज का, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वीक और कर रहा है ये हमारी खोखला कर रहा है इनफैक्ट. और जैसे कि कोई कुछ भी होता है इंडिया में हो, या कोई भी चीज हो, या हमारा रिलीजन हो, या कुछ भी हो, तो उसका एक साइंटिफिक भी होता है, एक रिलीजियस भी होता है, जो कि एक अपने स्तर पे दोनों अपनी अपनी बातें हैं. बट हर चीज का एक रीजन होना चाहिए. और रीजन होना चाहिए इसमें क्या है ना शुभ, लाइक कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके पास आपके पास रीजन होते हैं. बिल्कुल सही बात है. तो उसमें आप अगर आप अपना थोड़ा भी दिमाग लगा रहे हो, आप पूछ रहे हो क्या है इसका रीजन, आपको मिल गया. पर जिस चीज का पास रीजन नहीं है ना, तो प्लीज उस चीज को वही रोक दो, मत करो. ठीक है. हाँ, जैसे पहले सती प्रथा थी, ठीक है, वो रोकी गई लोगों, ठीक है. बाल विवाह है आज भी, बहुत उसके रीजन है, ठीक है. और पर बस लोग किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम छोटी उम्र में शादी नहीं करेंगे तो भैया लड़की आवारा हो जाएगी या लड़का आवारा हो जाएगा. अरे उन्होंने तो वैसे भी आवारा होना ही है अगर उनको होना है. तो बेटर ये है चीजों का रीजन ढूंढो, और फिर उसको अपने बच्चों को भी रीजन बताओ कि बताओ कि हाँ हाँ कि बेटा अगर ये चीज ऐसे, इसका रीजन ये है, तो बच्चे भी मानेंगे आगे. नहीं तो बच्चे भी स्पॉइल हो रहे हैं क्योंकि हम मानने को रेडी नहीं है. कुछ लोग यूज ही नहीं करें, और जो डरते हैं, डरते भी क्या, मतलब एक फोर्सफुली कुछ चीजें होती हैं, और चाहते ना चाहते आपको करनी भी पड़ती हैं कुछ चीजें. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. तो वो चीजों मतलब हमारे देश में एक सही डायरेक्शन नहीं दे रही. तो बोलो आगे तुम बात. तो अल्टीमेटली उससे किसी का भी कोई फायदा नहीं है. और देखो लास्ट में बस मैं एक ये चीज बोलना चाहती हूँ आपको, करना तो इंसान ने वही है जो उसे करना है. बिल्कुल सही बात. हम देश नहीं सुधार सकते, कोई देश नहीं सुधार. अभी हम ना, अगर मैं आज खड़ी हो जाती हूँ, ठीक है, मैं एक फाउंडेशन भी खोल लेती हूँ, ठीक है भैया, मैं लड़ रही हूँ उस चीज के लिए ना कि लाइक ड्रग से फ्री करना है, लाइक टोबैको अब्यूज या कोई भी अब्यूज उसके, ठीक है. मैं आज करूंगी, मैं शायद अभी 30 साल उस चीज को, अगर मेरी उम्र लिखी है 30 साल में, अगर लड़ लूंगी उसके बाद मैं खत्म हो जाऊंगी, ठीक है, कोई नई फाउंडेशन उठ के हो जाएगी. पर जब तक लोग उस चीज को समझेंगे नहीं ना, तब तक इस चीज का कुछ नहीं हो सकता. तो विशेष मैं कल एक चीज, दो बातें पूछना चाहूंगा. पहली तो ये है कि तुम आने वाली जनरेशन को क्या कहना चाहती हो, और जो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, देख रेख के तुमने इस चीज को सीखा और ये तुम आज लेके आई हो इस प्लेटफॉर्म पे, ये बात दिल की बात, तो इस चीज पे तुम अपने आने वाली जनरेशन को क्या बोलना चाहोगी, क्या उनको गाइड करना चाहोगी? मैं, हम जितने भी बड़े हैं, मतलब जो हमसे पहले हैं, और जो भी हमारे साथ के हैं, और जो जनरेशन आ रही है और जो आगे आएगी, मैं बस उन सबको यही एक सिंपल सी चीज बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो ना, आपके पास उस चीज को, लाइक आप कोई भी चीज बोल रहे हो, आप कुछ भी चीज हमको फॉलो करने को बोल रहे हो, या कोई भी चीज आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसके पीछे एक वैलिड रीजन होना चाहिए. लाइक उस चीज के पीछे आप पहले अपना थोड़ा दिमाग लगा लो कि अच्छा ये चीज सच में हम जो करने जा रहे हैं सच में ऐसी है भी, या बस ऐसे किए जा रहे हैं भीड़ चाल में चलो, ठीक है. भले ही उस चीज को अगर 100 लोग वो कर रहे हैं, भले ही आप अपना दिमाग लगाने के बाद वही जो 100 लोग कर रहे हैं आप भी वही चीज कर, वो ठीक है. पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं ये ना ये कर रही थी तो इसलिए भैया मैंने भी ये चीज कर ली. नहीं, वो तब करो कि हाँ ठीक है, अब मैं नॉन वेज नहीं खाती क्योंकि मेरे को नहीं खाना. बिल्कुल, तुम्हारा एक अपना एक पर्टिकुलर रीजन है और तुम उसी हिसाब से चल रही हो. हाँ, किसी के कहने पे नहीं चल रही, क्या उसने मना कर दिया तो हम ये कर लेंगे ये वो. वही हाँ, उसका एक सिंपल रीजन ये कि मेरे मुझे अंदर से नहीं होती वो चीज, तुम्हें नहीं होती तो तुम नहीं करती. अब जस्ट बिकॉज मुझे प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो भैया नहीं नहीं आप ना नॉन वेज में प्रोटीन लो, अरे वेज में भी प्रोटीन मिल जाए, ठीक है, वो सबके अपने अपने हैं, जिसको जो खाना है वो खाओ. पर ठीक है, आपके पास एक ना समझो चीजों, एक वजह होना चाहिए. हाँ, रेदर देन कि अभी भैया फार्मर उसमें, लाइक वापस से फार्मर का ही आगे, क्योंकि
बहुत रिसेंट हल्ला है, ठीक है, तो उसमें यंग यंग सरदार जी भी निकल के आ रहे हैं, आई मीन फार्मर्स निकल के आ रहे हैं और सिख कौम पूरी निकल गई है भैया धरना देने और चीज देना. तो भाई है क्या वो सच में नुकसानदायक है? एक एक चीज जान लो, मतलब ये है हाँ, वो उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है जो उसको भी जान लो, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी जान लो, एंड देन एक्ट करो. हाँ एक्ट करो, एक्ट करना जरूरी है, नहीं बहुत जरूरी है. चेंज कैसे आएगा? ऑब्वियस बात है, यहाँ जैसे तुम आई हो, ये एक्ट की तो किया है तुमने किसी चेंज के लिए, तो बेसिकली यही तुम, हमारा मेन यही है विशाखा की अपनी बातें रखो, लेकिन ऐसे रखो कि उसके टर्क हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दे रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो और उसके बाद फिर कह रहे हो कि ये क्योंकि इसने कहा था, नहीं मुझे रीजन ही नहीं पता. तो हर चीज के पीछे रीजन होना चाहिए, हर चीज पीछे तर्क दो कि हाँ, और वो तर्क भी जो दो तो उसके बारे में रिसर्च करो कि हाँ भाई ये सही है कि नहीं. ये भी नहीं कि एक अपने हिसाब से तुमने एक बना ली धारणा और तुम उस बेसिस पे अपना काम करते चले जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं और वो सोसाइटी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, क्या है कैसे है, भारत को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये तुम्हें मतलब नहीं है, तुम करे जा रहे हो क्योंकि मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है. तो हर चीज, हर चीज मर्जी भी नहीं है, हर चीज तर्क भी नहीं है, लेकिन हर चीज का एक पर्टिकुलर तौर पर रीजन होना चाहिए कि कल को तुमसे कभी वो क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम अपने अंदर के इंसान को एक बार बोल सको कि हाँ यार कि ये मेरा रीजन था इसलिए मैंने रखा. कल को तुम्हें ना रिपेंट हो जाए कि यार जो मैंने किया मैंने ही गलती कर दी, क्या कर दिया और मैं इतने आगे निकल आया हूँ कि मुझे सुधार नहीं सकता. हाँ अब मैं सुधार नहीं सकता, मैं क्या करूँगा, मेरे लोग क्या कहेंगे, या जो मैं एक एग्जांपल जो क्रिएट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है छोटे को सब बड़ों का ही देख के एग्जांपल मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक आखिरी सवाल मैं विशाखा तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर मौका मिलता है कि इस बात को अपने प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का, तो तुम इस चीज में उनसे क्या पूछोगी और क्या उनको क्या पूछो, क्या मतलब पूछोगे तो तुम इसके बारे में पूछोगे कि ऑफकोर्स ये जो हो रहा है इसका वो क्या करना चाहते हैं, तो तुम उनसे ये पूछना कि ये क्या चाहोगे कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए इस चीज में और किस तरीके से तुम अपना एक व्यू रखना चाहोगे उनके सामने. ये क्वेश्चन ओके, देखो सच बताऊं तो अगर एक सिर्फ ये फार्मर लॉ के बारे में तो मैं उनसे नहीं पूछना चाहूंगी, तो जनरल चीज, जनरल चीज. हाँ ठीक है ओके, इन जनरल मतलब एक मैं इसका पहले बोल देती हूँ, जैसे कि मैं इसमें तो नहीं पूछूंगी क्योंकि फॉर श्योर जो ये लॉ बना है ठीक है, बहुत लाइक जो भी जिन लोगों ने ये लॉ बनाया है उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया होगा ठीक है, तो ये बात तो अलग हुई. बाकी मैं सिर्फ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ठीक है, बस मैं एक चीज उनको बोलना चाहूंगी कि सर आप कुछ करो या ना करो पर प्लीज हमारे इंडिया का ना एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दो ठीक है, क्योंकि उसका एजुकेशन, वो एजुकेशन सिस्टम तुम्हारे मिक्स से भी बहुत ज्यादा जुड़ा है. अगर हाँ अगर आप अगर आपका एजुकेशन सिस्टम सही है ना तो शायद हम अपने देश को एक बहुत अच्छी राह पे, मीन्स हमारी एजुकेशन जो है उसको सस्ती कर दो सो देट कि हम हर कुछ पढ़ पाए समझ पाए और एक अपने आप को वो ब्रेनलेस लेके ना चले इस मिथ में कि भैया हमें मतलब आधे लोग अनएजुकेटेड हैं, मोस्ट चले जा रहे हैं पैसे के लिए एंड चले जा रहे हैं पता ही नहीं. बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है ये मैं मानता हूँ. मैं पर अभी हाँ मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दे तो मैं ये बोलूँ लोग अवेयर हैं, लोग अवेयर हैं, हर कोई हर से अवेयर है, पर बस मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ शायद प्राइम मिनिस्टर जी मेरे को मिले या पूछे तो बस मैं उनको एक चीज ये बोलना चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज कर दो, ये चेंज हो जाएगा तो शायद हमारा इंडिया बहुत सुधर जाएगा बहुत ज्यादा. और हाँ और बाकी हाँ सिलेबस जो चेंज होगा प्लीज उसमें हमारे थोड़े हिंदू राजाओं के बारे में भी कुछ डाल दो, लाइक वो इतने बड़े भी नहीं थे, बाकी तो ठीक है सही है. और ये जो मिथ है, मिथ वो एजुकेशन से अगर हम करें तो एजुकेशन बहुत जरूरी है इस मिथ को करने के लिए. और बहुत अच्छी तरीके से तुमने विशाखा अपनी बात रखी एंड थैंक यू सो मच, तुमने अपनी एक एक बात रखी और हो सके तो बहुत सारे लोग तुम्हारी बातें सुन के जो बोलना चाहते हैं वो आए इस प्लेटफॉर्म पे या अपनी बातें रखना चाहते हैं वो रखें, क्योंकि मुझे लगता है अपनी बातें रखना बहुत जरूरी है. और ये तुम्हारे खुद के व्यूज थे जो तुमने बहुत अच्छी तरीके से रखे हैं एंड मुझे खुशी होगी कि लोग भी इस बात को समझे कि आप अपना ब्रेन यूज करिए,
हर दिल को अंधे की तरह जो दिखाया जाता है उससे हाँ, विश्वास मत करिए, विश्वास मत कीजिए। हाँ, और ये याद रखिए कि जो आप करेंगे उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है कि आपकी फैमिली को पड़ता है, उसके बाद सोसाइटी को पड़ता है, सोसाइटी को पड़ता है। तो विशाखा थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए, एंड अपने तुमने बात रखी बहुत निडर होके रखी, एंड तुम जैसे रखती रही हो बहुत बहुत शुक्रिया, एंड इसी तरह तुम अपनी बात रखती रहना आगे भी, और लोग तुम्हें देखें, लोग तुम जिन लोगों का फेस बन के आई हो वो भी, उनको भी ताकत मिलेगी तुम्हारी बातें सुन के। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा। थैंक यू, थैंक यू, ओके।